अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स खैर वाफिया से होंगे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं इमदाद भाई के लेज़र प्रिंटिंग के सेटअप पे। ये जो हैं रिंग प्रिंट करते हैं। बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई बताएं कि बर्ड्स के रिंग जो हैं वो कहां से बनते हैं, तो आज मैं आपको इनके पास ले के आया हूँ। मैंने ख़ुद भी इनसे रिंग बनवाए हैं, तो इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कौन कौन से रिंग बनाते हैं और उनकी क्या प्राइस अपडेट है और क्या मामला हैं। ये केज टैग भी बनाते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके पास किस किस बर्ड के रिंग अवेलेबल हैं, उनकी क्या प्राइस अपडेट है और रिंग के ऊपर हम क्या कुछ लिखवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अहमदाद भाई, ठीक हैं आप। और सुनाए तबीयत ठीक है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अहमदाद भाई मुझे आप अपने काम के मुतालिक बताएँ कि आप क्या करते हैं और कौन कौन से रिंग बनाते हैं। हमारे पास फीचर है कि मकोदकार रिंग स्टील एलुमिनियम डबल एच डबल कॉर्नर लोकल इम्पोर्टेंट क्वालिटी ली रिंग और केज के अलावा कोई चीज़ नहीं। केज या रिंग हो गया, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि आप फिंच से लेके मकाओ तक का तमाम बनाते हैं, जिसमें आपके पास लोकल से लेके इंपोर्टेड क्वालिटी तक के तमाम रिंग मौजूद होते हैं, ठीक है। आप हर एक तरह का बना के देते हैं। और हमारे पास यहाँ से मार्केट रेट से बिल्कुल मुनासिब रेट में आपको, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास जो है वो केज टैग भी होते हैं, ठीक हो गया। तो आपकी प्राइस जो है आप कह रहे हैं कि मार्केट से काफ़ी मुनासिब है प्राइस, ठीक हो गया। आप मुझे दिखाएंगे कि आपके पास कौन कौन से रिंग हैं और वो उनके सैंपल्स वगैरह। ये हमारे पास आ गए हैं ये प्रिंटिंग वाले रिंग, ठीक हो गया। ये रिंग जो है ये इसमें इस टाइम माशाल्लाह प्रिंट हुए हुए हैं, ठीक हो गया। इस जी दोस्तों ये इमदाद भाई जो हैं ये फिंच के साइज़ का जो है वो दिखा रहे हैं रिंग। और इमदाद भाई ये फिंच का रिंग है। जी जी बिल्कुल, ये फिंच का रिंग है। ये सबसे छोटा रिंग होता है, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास वाइट की भी प्रोडक्ट है, वो फिलहाल अभी रेडी है, नहीं तो आपको वो भी दिखा दें, ठीक हो गया। यानी कि ये जो है ये लोकल मेड है, ठीक है। इसके अलावा आगे बताएँ आगे कौन से साइज़ का रिंग है। इसके आगे आता है हमारे पास ये हमारे पास इसके बाद आता है 4.5 का, ये है ऑस्ट्रेलियन बजरी और लबर्ड के चिक्स को डलता है। ये लबर्ड चिक्स ऑस्ट्रेलियन अडल्ट को डलता है और लबर्ड चिक्स को डलता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑल कलर है, ये देखें जैसा कि आप, ये अभी 3 कलर है, बाकी 4 कलर हमारे पास हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है आपके पास रेड गोल्डन ब्लैक, यानी जितने भी मार्केट में कलर हैं वो सारे आपके पास अवेलेबल है, ठीक हो गया। इसके अलावा रिंग नेक और वो बाकी जो है वो ये हैं, ये जब मैं देख रहा हूँ ये स्टील के, ये मुख्तलिफ रिंग है, ये रिंग नेक के हैं, ये स्टील में रिंग नेक है, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। माशाल्लाह बेहतरीन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मकाओ रा सब मिक्स रिंग पड़े हैं। ये हमारे पास हमारा अपना सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तैयार करते हैं, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है। और इसके बाद ये आ गए हैं लबर्ड के, ये अडल्ट के हैं, वो मैंने आपको पहले चिक्स के दिखाए थे, ये डल्ट के आ गए, ये देखिए, ठीक हो गया। ये लूज रिंग जिसे हम कहते हैं ये वो हैं, यानी कि आप बड़े पेड़ को डाल सकते हैं, बड़े पेड़ को डाल, ठीक है। दोस्तों ये जो हैं इस टाइम इनकी प्रिंटिंग नहीं हुई हुई, ये उनके पास जो है अभी रॉ मटेरियल है। जब कोई भी कस्टमर आता है और आगे उन्हें कहता है कि मेरी एवरी का बना दो, तो फिर इसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। और वो माशाल्लाह इनका अपना काम है, और इनके रिंग जो है वो कराची से ले कर पेशावर तक काफ़ी जगहों पे जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो एजेंट्स के काम ही करते हैं, जो आगे लोगों के लिए लोगों से ऑर्डर उठाते हैं। तो माशाल्लाह इनके पास जो है वो हर तरह का रिंग अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया रिंग नेक का, ठीक हो गया। ये रिंग नेक का हो गया, ये हो गया, ये सारे रिंग नेक के, यानी कि कहने का मकसद यही है कि हमारे पास हर रिंग अवेलेबल है। मकाओ तक स्टील में चाहिए आपको स्टील में मिल जाएंगे, ये कस्टमर की डिमांड भी होता है, जो उनसे रिंग मांगेंगे हम वो देंगे कस्टमर, ठीक हो गया। आप मुझे बता रहे थे कि कुछ आपने सीजन के लिए ऑफर भी निकाली हुई है। सीजन के लिए ऑफर, अगर सीजन होगा तो इंशाल्लाह उसमें हम आपके साथ बिल्कुल ताउन करेंगे, जो एजेंट हो गए उनके लिए बिल्कुल ताउन करेंगे सीजन में आपको। अगर मार्केट रेट आप है तो हम डाउन रेट पे देंगे, ठीक है। और अगर डिलीवरी वगैरह भी ऑल ओवर पाकिस्तान
पाकिस्तान किसी भी कोने में आप कर सकते हो और ये पेमेंट डिलीवरी चार्जेस आपके होंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद में कस्टमर कहते हैं यार डिलीवरी का रोला पड़ जाता है इसलिए डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आप ये गारंटी दे रहे हैं कि आपके पूरे पाकिस्तान में सबसे कम रेट है। ठीक हो गया, ठीक है। आप ओएलएक्स पे जाके देख सकते हैं, अगर आपको कोई रेट दे रहा तो इंशाल्लाह हम उससे कम देंगे। ठीक हो गया, मार्केट में कीजिएगा फिर हमारे पास आइएगा, हम आपको उससे कम रेट देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमदाद भाई, मुझे आप ये बताएं कि रिंग क्यों डालते हैं, क्या मकसद है इसका? रिंग डालना आपको जाहिर सी बात है लाजमी रिंग करा रहे हैं, एक तो बर्फ की पहचान है, खूबसूरत लगता है, और दूसरी बात ये शर्ट जिन्होंने शर्ट लगाए होते हैं उनके लिए कंफ्यूजन होती है कि बर्फ कौन सा है, फिर उनके लिए भी ये लाजमी होता है अगर किसी ने बाई बर्फ भेजना है उसके लिए तो लाजमी रिंग करा रहा है। और इसके अलावा अगर किसी का बड़ा सेटअप है, किसी का छोटा सेटअप है, वो कहता है यार मुझे महंगे मिल रहे हैं, हम उसको सस्ते रिंग भी देंगे, हमारे पास हर क्वालिटी अवेलेबल है। ठीक हो गया इमदाद। दोस्तों इमदाद भाई का कहना है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे पाकिस्तान के बर्ड जो है वो बाहर भी जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसमें जो है बर्ड को रिंग जो है वो लाजमी होता है डालना। ठीक है, क्योंकि रिंग के बगैर बर्ड जो है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता, तो उसके लिए रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और रिंग जो है वो हर सेटअप के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लोगों ने DNA वगैरह करवाने होते हैं तो उसमें अगर आपका रिंग डला होगा तो आपको बर्ड का रिंग नंबर पता होगा, तो इसे DNA में भी आसानी होती है। और इसके अलावा और भी बड़ी वजूहत होती हैं रिंग डालने की। और इमदाद भाई का कहना है कि कुछ लोग इस वजह से रिंग नहीं डालते कि बर्ड सस्ता होता है, उनके पास बजरी होते हैं, फिंचीज होती हैं, तो वो कहते हैं कि यार बर्ड सस्ता है तो अब इसमें रिंग थोड़ा सा महंगा क्यों डालना। तो उनका कहना है कि भाई उनके पास जो है वो सस्ते रिंग भी अवेलेबल हैं, तो आप उनसे रابطہ कर सकते हैं, तो अपने बर्ड को रिंग लाजमी डालें क्योंकि आपका बर्ड आपके शेड की पहचान है। वो पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए आपके शेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है इमदाद भाई, यही कह रहे हैं आप? ठीक है, इसके अलावा फ़ोन नंबर हो गया ये भी लिखा जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक ठीक, हाँ जी, मैंने आपसे यही सवाल करना था, आप मुझे ये बताएं कि एक रिंग के ऊपर हम क्या कुछ लिखवा सकते हैं? एक रिंग के ऊपर आप लिखवाने को तो बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, पर इसमें इशू ये होता है अगर आप जितना ज़्यादा मैटर देंगे उतना लफ छोटा हो जाएगा, यानी कि पढ़ने में दिक्कत होगी, यानी कि अगर आपका बर्ड वो पढ़ा है दूर से नज़र आ जाए यार इसका नंबर ये रिंग है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, उसका रिंग नंबर दूर से नज़र आ जाए, अगर वही छोटा होगा उसे नज़र नहीं आएगा। फोन नंबर A to Z जो लिखवाना चाहिए कस्टमर की डिमांड में हम लिख लेते हैं, मगर ये कस्टमर की जिम्मेदारी होती है कि अगर बड़ा लफ्ज़ लिखवाना चाहते तो वो छोड़ कर, जैसे कि MA वाली मोहम्मद वाली एम के, ऐसे छोड़ कर लफ्ज़ हम ढूंढते ताकि कस्टमर को भी दूर से पहचाना जाए यार ये वो रिंग है। ठीक हो गया, यानी आपका कहना है कि बड़े बड़े ज़्यादा नहीं मवाद लिखवाना चाहिए, छोटे से छोटे, जैसे कि आप मैंने जैसे आपसे बनवाए हैं अपने HB Honey Birds के नाम से, बनवाए हैं, तो वो माशाल्लाह काफ़ी, मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा भी, वो माशाल्लाह काफ़ी बोल्ड बने हैं और वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पढ़ा जा सकता है। उस पर मैंने लवबर्ड का लोगो भी बनवाया है, तो मैं भी आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। ये प्रिंटिंग है, ये देखिए जैसा कि हमारे पास प्रिंटिंग अवेलेबल है, मुख्तलिफ रिंग है, ये नंबरिंग वाले, यानी कि जो कस्टमर के अभी ऑर्डर में पड़े हैं। ठीक हो गया, ये कस्टमर्स के लिए आपने तैयार करके रखे हुए हैं? तैयार करके रखे हैं, अभी ये आपको मैं थोड़ी सी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, असल प्रोडक्ट अंदर पड़ी है, वो ज़्यादा कम पड़ गया ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने अपने हाथ पे रखे हुए हैं ये मैंने अपने बर्ड्स के लिए बनवाए हैं, आप इस पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितना बोल्ड लिखा हुआ है और इस पे हर एक चीज़ जो है वो वाजिया नज़र आ रही है। मैंने अपना इनिशियल भी लिखवाए हुए हैं HB, इसके अलावा रिंग नंबर है और इसके अलावा Season 2022-23 भी इस पर लिखा हुआ है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिला है और मार्केट भी मैंने विज़िट की थी, मार्केट में सबसे कम रेट इन्हीं का था और माशाल्लाह इनकी चीज़ की ये गारंटी भी दे रहे हैं कि ज़बरदस्त है, और वाकई मैं इनसे मुतमईन हूँ, और कोई भी भाई इनसे लेना चाहे तो इनसे रابطہ कर सकता है। अच्छा इमदाद भाई, मुझे आप ये केज टैग के मुतालिक बताएं, माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त हैं और काफ़ी आपने इसमें भी वैरायटी रखी हुई है, इसका कलर ब्लैक ही होता है या किसी और कलर में भी ये बन सकता है? नहीं, नहीं, ये सिर्फ ब्लैक कलर में अवेल होती है। अच्छा, ये कलर नहीं अवेल होता है, ग्रैली तो होती है, इसमें और कलर नहीं होता। ठीक हो गया, इसमें भी पर प्रिंटिंग नहीं ऊपर नजर आती है। ठीक है, इसमें भी हम जो है हर तरह का वो लिखवा सकते हैं कुछ भी? ये कस्टमर की डिमांड भी होता है, जो लिखवाना चाहिए वो लिखवा। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं,
यानी ये लोगो हो गया, ये उसकी बारी का नाम हो गया, ठीक हो गया। आप मुझे बता रहे थे कि ये आप आउट ऑफ सिटी भी डिलीवर करते हैं, ये हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान में, अब हमारा माल ये कराची में जाना, ठीक हो गया, माशाल्लाह बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर हमारे चैनल के रेफरेंस से कोई आपके पास आता है तो आपने इंशाल्लाह उसको डिस्काउंट करना है, ठीक है, आपने उसके साथ तावन करना है, इंशाल्लाह उनके साथ बिल्कुल तावन होगा, प्राइस मार्केट रेट से बहुत कम होगी। अच्छा इमदाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे ना अपना नंबर बता दें। ये हमारा नंबर 03227839044 03268739044, ये मेरा नंबर, ठीक हो गया। तो कोई भी हमारा व्यूअर जो है आपसे रابطہ कर सकता है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, ठीक है। आप मुझे ना अपने सेटअप का थोड़ा सा एड्रेस भी समझा दें। ये दरोगे वाला आपने महबूबपुरी स्टेशन देखा होगा, इंशाल्लाह मान बाग से थोड़ा सा आगे आएंगे, आखिरी मिनट के अगला स्टेशन में महबूबपुरी स्टेशन, उसके बिल्कुल साथ वाली गली है, ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने जब लाहौर दरोगे वाले आना है तो आप आके इनको इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उसके बिल्कुल साथ ही गली है जिसके अंदर इनका सेटअप है, सलीम एंड सन्स के नाम से इनका सेटअप है। तो लेकिन ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनसे पहले, घर से निकलने से पहले कॉल करके आएँ, ताकि आपको यहाँ पर आके चक्कर ना पड़े। वैसे तो ये 9 to 5 ऑफिशियल टाइम पर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी कॉल करके आना ज़रूरी है। ले इमदाद भाई, मुझे अब इजाज़त दें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे साथ तावन किया है। दोस्तों इसी के साथ आप भी मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।